राजस्थान का इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल गया है और कहीं ना कहीं 50 जिलों के गठन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हमारे साथ जाट साहब हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर। जाट साहब, क्या आपको लगता है कि कितना खर्चा इन 50 जिलों, खासकर जो 19 नए जिले हैं, उनको बनाने में लगेगा? पहले फेज में मुख्यमंत्री ने 2000 करोड़ का बजट प्रावधान किया, तो मैं समझता हूँ 100 करोड़ का बजट इन जिलों के लगभग जो प्रावधान किया, और पहली बार घोषणाएँ हुई वो 90% लागू हो चुकी है और ये भी लागू हो जाएगी जल्दी। आपके कलेक्टर SP लग चुके हैं और 7 तारीख से फंक्शन में आ जाएंगे। ये जो जिले हैं उसमें मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा दूसरे प्रशासनिक सारी इकाई हैं, तो क्या ये माना जाए कितना अंदाजन टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा इन नई जिलों को अपना स्वरूप और जिलों के बराबर करने में? देखो, बच्चे को छोटे होने में, बालिग होने में 18 साल लगते हैं, और पढ़ने में भी 6 साल का होता है तो पढ़ाई में जाता है। ऐसे आंगनबाड़ी में जाने का 3 साल का टाइम, माँ के दूध चूँ पीने का टाइम भी अलग होता है। वैसे ही जिला जो बन रहा है तो उसका टाइम भी एक निश्चित होता है। तो शुरुआत हुई है, अभी हमारे लोकार्पण जो शिलान्यास वगैरह जो पूजन होकर 7 तारीख से होगा, उसके बाद विधिवत तरीके से सारे के सारे फंक्शन चलते जाएंगे। अभी हमने जो OCD लगाए मुख्यमंत्री जी ने, वो सारी जगह देख चुके हैं, वहाँ पर वो काम शुरू होगा और विधिवत बजट टेंडर सारी प्रक्रियाएँ साथ के साथ शुरू हो रही है। उसे धीरे धीरे निर्माण करने में जो टाइम समय ठेकेदार लेता है उनकी टेंडर प्रक्रिया में होता है वो तो लगेगा ही, उस स्वतः ही जो टाइम पीरियड है वही लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। हम तो इन जनभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने मांग मानी है, जनता से अपील करेंगे 7 तारीख को वहाँ जिला बना वहाँ जाएँ और आनंद लें सर्वधर्म सभा का, और कांग्रेस को आने वाले समय में दोबारा रिपीट करें जिससे और ज़्यादा सुलभ न्याय हो, काम हो, ज़्यादा फायदा मिले। अभी मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि जिलों का जो गठन है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या आपको लगता है कि इन गठन के साथ साथ कांग्रेस को फायदा होगा? हर सरकार चाहती है कि हम डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार जनता के बीच में जाएँ, तो कांग्रेस भी चाहती है कि डेवलपमेंट किया तो जाएँ। फैसला जनता को करना है, बाकी ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। 4.5 साल में हमारे इतने पटवार मंडल बनाना, इतने तहसील उप तहसील ADM SDM बनाना एक प्रक्रिया है। पहली बार जिलों का गठन मुख्यमंत्री ने इस लेवल पे किया कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि और जनसंख्या बड़ी है उसको देखते हुए निर्णय लिया, जिससे आम जन को सुविधा होगी, न्याय में भी समय की बचत होगी, अधिकारी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, एक अच्छा काम हुआ। अब हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में 95 जिले ऐसे हैं जिसमें 5 लाख से कम की आबादी है, तो राजस्थान में ये जो ज़िले बने हैं इसके बाद एवरेज आबादी और एवरेज क्षेत्र जो है वो कितना रहेगा? देखो, पहले हमारा 25 लाख की औसत आबादी पर जिलों का, पूरे राजस्थान के 33 जिलों का, अब हमारा औसत हो गया 5,36,000 का, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो था अब वो 1,02,1200 का वर्ग किलोमीटर का हो गया, वर्ग मीटर का हो गया। तो पहले जो था वो हमारा 35,000 के लगभग था, तो एक बहुत बड़ा फायदा नए राजस्व जिले बनने से हुआ, तो ये सुलभ तो हो गई, समय बचेगा, न्याय होगा ज़्यादा। सर, लेकिन जो ज़िले हैं वो अपना खर्चा खुद उठाने की क्षमताएं जो हैं वो डेवलप करने की बात अक्सर भारतीय सिस्टम में हुई है, लेकिन क्या ये ज़िले अपना खुद का खर्चा उठाने लायक कब हो जाएंगे, या इनकी जो रेवेन्यू है बनाने में इनको वो खर्चा कहाँ से आएगा? देखो, एक ज़िला बनने में वहाँ पर, जैसे मैं प्रतापगढ़ की कह सकता हूँ, पिछली बार मैं था तो 3-4 साल तो स्वाभाविक लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे समय के आधार पर वहाँ रिको एरिया आएगा, इंडस्ट्री आएगी, कोई भी ज़िला बनता है तो उसका शहरीकरण होता है, तो वहाँ रोज़गार के साधन उपलब्ध होते हैं, आसपास की आबादी के लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ बेरोजगारी कम होती, मकानों का निर्माण भी होते हैं, तो ईंट बाटे चूने लोहे सारे बिकते हैं, सारी चीज़ें होती, तो समय तो लगता है, लेकिन शुरुआत 7 तारीख से हो जाएगी, ज़मीनों के भाव भी रेज हो जाते हैं एक ज़िला बढ़ने के बाद, सारे चीज़ें सारे अधिकारी, भारत सरकार की योजनाएँ भी सीधी वहाँ आती है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप कह रहे हो, मेडिकल कॉलेज भी आएगी, जो भारत सरकार के आधार पर पहले 80-20 के रेशो पर आती थी, फिर हमारे भिलवाड़ा खुली तो 75-25 के रेशो से हुई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने कम कर दी, 60-40 कर दी, और वो जैसा दे रहे नहीं दी तो भी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेज अपने राजस्थान के फंड से दी, तो आने वाले समय में इनमें भी मेडिकल कॉलेज आएगी, तो ज़्यादा हर तरह का न्याय सुलभ होगा। बहुत शुक्रिया। साफ तौर हैं वो अपना मूल स्वरूप ले पाते हैं और उनमें विधिवत जो जनता को सुलभता जो मिलती है वो किसकी शुरुआत हो पाती है। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।